नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने हॉट एयर बैलून सफारी का लुत्फ भी उठाया। हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ होने से अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के साहसिक खेल गतिविधियों की तरफ कदम बढ़े हैं। बता दें कि राखी गढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा विकसित होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी सौगात। पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ। सीएम ने हॉट एयर बैलून सफारी का उठाया लुफ्त। हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ। हरियाणा में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ ही पर्यटक अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लुफ्त उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता और पर्यटन मंत्री कंवर पाल के साथ हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। हॉट एयर बैलून सफारी के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली सफारी का अनुभव बेहद अच्छा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी सुरक्षित है। हॉट एयर बैलून संचालित करने वाली कंपनी ने सुरक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार लगातार पर्यटन गतिविधियां बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि इस हॉट एयर बैलून सफारी की व्यवहारिक को देखते हुए राज्य सरकार कंपनी को 2 साल के लिए VGF के तौर पर 72 लाख रुपए देगी। वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिकर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आ पाए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है क्योंकि उनके अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, ये अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। 10 मिनट के बाद उनका कहा कि रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है। जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जब पेड़ों के साथ भी
अच्छा बहुत से जानवर, जंगल जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आदम ने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे, कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए संकेत किया। सर आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, क्या फेयर्स रहेंगे? हाँ, बुकिंग 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे चढ़ेंगे। कंपनी की ओर से इसका रेट 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति राइड निर्धारित किया गया है। साहसिक खेल गतिविधियों की तरफ बढ़े कदम। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा अब वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक खेल गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार द्वारा मोरनी हिल्स के पास टिक्कर ताल क्षेत्र में भी पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरास्लेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ट्रैक माउंटेन, बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि अरावल क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार शिवलिक पर्वत क्षेत्र के साथ साथ अरावली क्षेत्र को भी पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी व्यापक स्तर पर रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और नूह जिलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नू क्षेत्रों में पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा इस पर टिकरताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हथनी कुंड जो बैराज है वहाँ भी पानी की मात्रा है, तो वहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हम दोनों वहाँ जाएंगे और वहाँ भी 1 घंटा भर लगा करके उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, खास करके दमदमा झील है, या जैसे वहाँ जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है वो जब शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ही इन लोगों से बात हुई है। तो गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहाँ जा करके भी ये सब कर सकता है, तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है, उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक ये जो हमारा अग्रोहा है वहाँ के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के ऐसे जो चीज़ें हैं खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत, वहाँ भी एक हमने पास किया उसको रोप वे, लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बन रहा है, ऊपर चवन ऋषि जी का आश्रम है उस पर। तो ऐसे जितनी भी संभावनाएं हमको मिल रही हैं टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर कितने हॉट एयर बलून अभी मतलब रहेंगे और टीम जो पायलट्स और सारे लोग हैं एक्सपर्ट्स की, कितने लोगों की टीम है और कहाँ? वैसे तो ये अपनी कंपनी का काम है, हमारा नहीं है उसमें, लेकिन उस कंपनी का जैसे आज हमने देखा है तो 2 तो पायलट हैं, एक उनका चीफ पायलट हमारे साथ था, तो आज 2-3 ही थे, और नीचे उनका बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है 10-15 लोग, वो भी मैंने देखे हैं। तो इनका अपना सिस्टम है उसमें चलेगा, हमारा उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन बहुत एक्सपर्ट हैं, इतना हमको जानकारी मिली। और एक सेफ्टी सर्टिफिकेट इनको जो लेना होता है वो उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना ये चल नहीं सकते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नू क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राखी गढ़ी की तर्ज पर विकसित होगा अग्रोहा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राखी गढ़ी में भी म्यूजियम बनाया जा रहा है, साथ ही अब राखी गढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा में भी खुदाई की अनुमति मिल चुकी है। इससे क्षेत्र में पुरातत्व विरासत को पहचान मिलेगी। इसके अलावा ढोसी के पहाड़ को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर रोपवे की शुरुआत की गई है। यहाँ पर चवन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए हैं।
इसलिए अपनी आध्यात्मिक पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ एरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च। वहीं सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और हितधारकों को शासन में नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य नैतिक शासन को विकसित करना और सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही को बढ़ाना है। गौशालाओं का अनुदान पर सोलर पंप। उधर मनमोहन सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को सोलर पंप अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों और सिंचाई के लिए 3 HP से 10 HP तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पानी बचाने की दूरगामी सोच के अनुरूप हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना चला रखी है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दरअसल हरियाणा देश में किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO के गठन में सबसे अग्रणी राज्य है। सभी प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इसके तहत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।